हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सबको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आप सबको पता होगा कि ये जो वर्ष है वो 76वां स्वतंत्रता दिवस है। हम लोग 76वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं हमारे देश के आजाद होने का। तो यह वर्ष जो है हम सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों के सामने में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे कि 15 अगस्त के ही दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। जब हमारा देश भारत आजाद किया जा रहा था, तिथि की घोषणा की जा रही थी, तो 15 अगस्त के दिन को क्यों चुना गया? तो इससे संबंधित है आज का वीडियो। जैसा आप सभी को जानते हैं कि जब हमारा देश का स्वतंत्र किया गया तो हमारे देश के विभाजन किए गए, जिससे भारत और पाकिस्तान दो देश का निर्माण किया गया, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को आजाद होता है, लेकिन हमारा देश भारत एक दिन बाद 15 अगस्त को आजाद होता है। तो हम लोग 14 अगस्त को ही क्यों आजाद नहीं हुए, ठीक है। तो उसी संबंधित है आज का ये वीडियो, और हम लोग 15 अगस्त को क्यों आजाद हुए तो इससे संबंधित है। तो चलिए बने रहिए आज के इस वीडियो में, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लोग जरूर जरूर पूरा देखिए और वीडियो को जरूर जरूर आप लोग शेयर करना ना भूले। तो चलिए बने रहिए आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त को ही हम लोग क्यों मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो ब्रिटिश शासन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर उनके अनुसार से हम लोग मानते हैं, तो 30 जून 1948 ईस्वी को हमारा देश भारत आजाद होने वाला था, ठीक है। जो ब्रिटिश शासन है उनके अनुसार से ये तय किया गया था कि अब भारत को 30 जून 1948 ईस्वी को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो जिन्ना जी थे, तो उन दोनों के बीच में काफी मतभेद हो गया था, और जिन्ना एक अलग राष्ट्र की मांग में लगे हुए थे। वे मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की थे और वो पाकिस्तान था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। तो इन सारी बातों में दोनों के बीच में काफी मतभेद हुआ था, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा देश को ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द इसको आजाद करने का घोषणा किया, और वो तिथि निर्धारित की गई आपका 15 अगस्त 1947 को, मतलब एक साल पहले ही हमारा देश को आजाद कर दिया गया, ठीक है। और तिथि जो निर्धारित की गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा, वो याद रखिएगा 30 जून 1948 ईस्वी को ये तय किया गया था ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। लेकिन दोनों जो पॉलिटिकल मिनिस्टर थे, जिन्ना जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो दोनों के बीच में मतभेद था। धर्म आधारित एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे जिन्ना जी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू वे नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का विभाजन हो जाता है, और ब्रिटिश सरकार इन सारे मसले में ना पड़ना चाहते थे और जल्द से जल्द इसका निवारण करना चाहती थी, और इसलिए उन्होंने एक तिथि निर्धारित की 15 अगस्त 1947 ईस्वी, और उस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाया। लेकिन हमने एक अपना एक भाग को खो दिया और वो एक अलग राष्ट्र बना, और वो था पाकिस्तान। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पास किया गया, और ब्रिटिश संसद ने इसको तुरंत मंजूरी दे दी, ठीक है, इसको तुरंत मंजूरी दे दी गई। क्योंकि जो भारत में जो भी शासन चलाया जाता था वो इंग्लैंड के संसद के माध्यम से ही चलाया जाता था, तो इसलिए माउंटबेटन उन समय भारत के वायसराय थे, और उन्होंने आपके 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पेश किया, और ब्रिटिश संसद ने उसको तुरंत, ठीक है, ये नहीं कि उस पर चर्चा की जाए, विचार विमर्श किया जाए, वो सारी बातों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वे तुरंत इस बिल को उसी वक्त पारित कर दिए, ठीक है।
और इस बिल को तुरंत पारित कर दिए गए और इसके माध्यम से इस इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो बना उस पर यह निर्धारित भी किया गया कि इस देश के दो विभाजन होंगे, ठीक है। और 15 अगस्त का यह तिथि निर्धारित किया गया और इसको भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त का जो तिथि है वो ही वो दिन को क्यों चुना ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश शासन ने, कि 15 अगस्त को भारत देश को आजाद किया जाएगा। तो वो दिन ऐसा क्या था जो उन्होंने इसे चुना था? और आप सबों को पता है कि जो भारत का जो अंतिम वायसराय जो थे वो थे माउंटबेटन, और उन्हीं की अध्यक्षता में इस देश का विभाजन किया गया, इस देश को स्वतंत्र किया गया उसी की अगुवाई में, ठीक है। तो वे भारत के अंतिम वायसराय थे और उसके जीवन में जो 15 अगस्त की जो तिथि है वो एक खास अहमियत रखता है। और यह खास अहमियत क्या है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और बात है सन 1945 ईस्वी की, ठीक है, सन 1945 ईस्वी की बात है और तारीख था 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1945 ईस्वी को। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश का जो सेना था उसके जो कमांडर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है। और उस वक्त ऐसी घटना घटी थी जो माउंटबेटन के जीवन में एक बहुत ही अहमियत का स्थान रखता है। और उस दिन जो घटना घटी थी कि जो जापानी सेना है वो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सेना के सामने वो आत्मसमर्पण कर रही थी। बात थी द्वितीय विश्व युद्ध का और उसमें जापान का जो सेना था वो ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण का काम कर रही थी। और उसके जो अध्यक्ष थे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सेना के, वो कमांडर थे माउंटबेटन। तो जो आत्मसमर्पण किया गया तो उसका जो पूरा श्रेय दिया गया आपके लॉर्ड माउंटबेटन को। और उसी के द्वारा उन्होंने ये भी सोचा, मतलब जो 15 अगस्त जो है वो माउंटबेटन के जीवन में एक अलग ही अहमियत रखता था। तो जब बात हुई देश को आजाद करने के लिए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का तिथि को चुना और इस देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद घोषित किया, ठीक है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वे पक्ष में वो भी नहीं थे कि भारत देश का विभाजन हो, वो जो पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना वो और दोनों देश एक रहें वो भी चाहते थे, लेकिन वे भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्र करते हैं और 14 अगस्त को पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि 15 अगस्त के ही दिन को हम लोग क्यों चुनते हैं, हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही हम लोग क्यों मनाते हैं, ये जानने का आज हम लोग प्रयास किए हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी और आप सबों को मैं बताते चलूं कि ये जो वर्ष हम लोग मना रहे हैं वो भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस है। मैं और एक ऐसी बात मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं, जैसे हम सभी को क्या जान रहे हैं कि यह जो वर्ष है 2023 वो भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। अगर आप बात अगर तिथि को जोड़िएगा 1947 से लेके 2023 तक तो हम लोग ये 77वां वर्षगांठ के रूप में मनाना चाहिए, लेकिन ये आधिकारिक रूप से देखा जाता है तो हम लोग 76वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, ठीक है। और इस वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए एक थीम रखा गया है, एक थीम रखा गया है जिसका जो थीम है वो है आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, मतलब राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ठीक है। ये थीम इस बार का रखा गया है और ये जो जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं अमृत काल के रूप में भी हम लोग मना रहे हैं, तो इसका जो थीम है हम सबों को याद रखना है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, क्योंकि हम लोगों जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति है कि हर तरफ हमारे राष्ट्र में कई कई जगहों पे झगड़े हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग धर्म को आगे रख रहे हैं, धर्म पे आधार पे हम लोग देश में अशांति फैला रहे हैं,
हम लोग को याद रखना है कि हम लोगों को सबसे पहले क्या होना है, एक इंडियन होना है, फर्स्ट नेशन बनाना है, ऑलवेज नेशन बनाना है, ऑलवेज फर्स्ट नेशन बनाना है। हम लोगों को सबसे पहले धर्म से पहले अपने राष्ट्र के बारे में सोचना है। और हमारा देश जो है वो सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर एक धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए सभी धर्मों का पालन करना है, सभी धर्मों का आदर करना है। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कमी घटी होती है, लोगों में कमी घटी होती है, तो उन सारी बातों को हम लोगों को इग्नोर करना है और वो सारी बातों को हटा के सिर्फ देश के बारे में सोचना है। जो धर्म है वो एक आस्था का विषय है, उसको हम लोगों को सिर्फ आस्था तक ही सीमित रखना है, उसको हम लोगों को बाहर नहीं लाना है। अगर हम लोग बाहर लाते हैं तो हमारे देश में जो है कभी विकास नहीं कर सकता है। इसलिए देश का जब निर्माण होता है तो कोई एक धर्म से नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते एक देश का निर्माण होता है। जैसे हमारा देश भारत है तो हम एक भारतीय होकर यहाँ पे हम लोगों को काम करना चाहिए, भारत के विकास पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ना कि कोई विशेष धर्म का उपयोग करके देश का विकास करना चाहिए। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा, वीडियो आप सबों को जो टॉपिक था उसके बारे में बता पाया या नहीं बता पाया उसको आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। फिर से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।